किसान भाइयों, अभी हमारे खेतों में चने की फसल दिखाई पड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि उसमें रोग लग जाते हैं और रोग लग जाने के बाद उसका इलाज करना थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आपको रोग की पहचान नहीं है तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे। तो चलिए, हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, वो हमें बताएंगे कि रोग की पहचान कैसे करें और कौन से रोग में कौन सा कीटनाशक लगेगा। अच्छा सर, अभी जैसे हमारे किसान भाइयों ने चना लगा दिया होगा, तो अभी जब उसकी प्रूनिंग भी कर ली होगी, फ्लावरिंग स्टेज है, तो अभी किस तरह की समस्याएं उनको आ सकती हैं? अगर उकठा बीमारी है तो चूंकि ये यहाँ पर जो है दो वजह से है, एक जीवाणु के वजह से है, दूसरा फफूंद के वजह से है, तो जीवाणु अगर विल्ट है तो हम लोग को पहले से ये दोनों चीज़ को हम लोग को तैयारी करना होगा कि आप अपने खेत में जो है सूडोमोनास का वगैरह का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर खेत में व्यवहार करके अगर लगाते हैं तो बैक्टीरियल विल्ट कम होता है। अगर उनका जो है हम देखते हैं कि अगर फ्यूजेरियल विल्ट है तो उसके लिए उनको जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी हर्जियानम है, उसको गोबर खाद में बढ़िया ढंग से मिला करके अगर खेत में देंगे तो उकठा बीमारी से वो अपनी फसल बचा सकते हैं। अगर उनका जो है मान लीजिए कि सॉफ्ट रूट रॉट ये आता है, वैसी परिस्थिति में जो है आपका बाज़ार में नटीबो जो दवा है उसका 1 ग्राम पर लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर वो जड़ के आसपास उस पौधे को ड्रेंज करें तो ये बीमारी से वो अपनी फसल को आसानी से बचा सकते हैं। हम जब भी दलहन फसल जब ले रहे हैं तो कोई भी सोलेनेसी वंश का अगर फसल लिए हैं, आलू टमाटर बैंगन मिर्चा, तो वहाँ पर तुरंत दलहनी वर्ग का फसल को न लें, नहीं तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको देखने को मिलता है। और कुछ किसान अगर चाहें तो अंतर सस्य भी कर सकते हैं जी। अंतर सस्य अगर जो लोग भी मान लीजिए कि अगर वो चाहते हैं कि हमारा जो है रोग बीमारी कम आए, कीड़े कम लगे, तो उसके लिए हम उनको सजेशन करते हैं कि जब वो चना लगा रहे हों तो उसी समय जो है 2 लाइन वो तीसी लगाएं और उसके बाद 2 लाइन चना लगाएं, तो उसमें जो है फली छेदक कीट का भी आक्रमण जो है बहुत कम हो जाता है और उसके जड़ से कुछ वैसा रेजिन निकलते हैं जिसके वजह से बीमारी भी कम आते हैं। तो किसान मित्रों को जो है हमारा ये मतलब जो है सलाह जरूर है कि जब भी अगर चना की खेती करें तो अंतर सस्य के रूप में वो चना और के साथ साथ तीसी फसल को जरूर जरूर। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से बताया है कि जो चने की फसल है उसमें का रोग को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं।